हेलो आप सभी को। सबसे पहले आप अपने मोबाइल का स्क्रीन में 360 पिक्स कर लें, ठीक है? तभी ये सूचना आपको साफ साफ दिखेगा जो लिखा हुआ है, ठीक है? और मेरे चैनल में आप पहली बार आए हैं या फिर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? और नोटिफिकेशन वाला घंटा ऑल पे रखिएगा, ALL पे लिखा हुआ, ठीक है? क्योंकि ऑल पे रखिएगा तो मेरा वीडियो आप तक पहुँच पाएगा और मैं अपलोड करता हूँ जॉब से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड और करंट अफेयर्स, साथ में ये टूरिस्ट प्लेस का, ठीक है? तो चलिए आज का सूचना शुरू करते हैं देर ना करते हुए। तो देख सकते हैं झारखंड गिर रक्षक स्वयंसेवक, ठीक है? चलिए नीचे पढ़ते हैं साहेबगंज जिला के वैसे ग्रामीण एवं शहरी गिर रक्षक जिनका नामांकन या फिर पुनः नामांकन समाप्त हो गया हो अथवा माह दिसंबर 2019 तक समाप्त होने वाली हो को सूचित किया जाता है कि पुनः नामांकन हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन भरकर गृह रक्षक वाहिनी कार्यालय बांस कोला, ठीक है? ये आपका एड्रेस दिया हुआ है जहाँ पे ये पता, ठीक है? गृह रक्षक वाहिनी कार्यालय बांस कोला सगरी गली में सूचना प्रकाशन की तिथि से दिनांक 20/9/2019 तक जमा करना सुनिश्चित करें, ठीक है? आपको 20/9/2019 तक जमा करना है, ठीक है? तो चलिए आगे देखते हैं। अपूर्ण रूप से भरे एवं अंकित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर किसी भी तरह का विचार नहीं किया जाएगा। 20 तारीख बाद आप जमा करने जाएंगे तो आपका कोई सुनवाई, मतलब आपका जमा होगा ही नहीं, सीधी सी बात है। तो चलिए क्या क्या आपको जेरोक्स करके देना है, संलग्न मतलब जमा करना है, ठीक है? जेरोक्स करके संलग्न किए जाने वाले 100 भी प्रमाणित, ठीक है, प्रमाण पत्र। तो चलिए देखते हैं। 1 नंबर में लिखा दे सकते हैं, पहला नंबर में विगत 2 वर्षों में किए गए कर्तव्य संबंधी आदेश पत्र, ठीक है? जिसमें ब्रैकेट में लिखा कमान पत्र की छाया प्रति, मतलब जेरोक्स जन्म तिथि की प्रमाण पत्र की छाया प्रति, फिर आधार कार्ड की छाया प्रति, बैंक खाता के प्रथम पृष्ठ मतलब प्रथम पेज की छाया प्रति, ठीक है? फिर परिचय पत्र की मूल प्रति। अब चलिए देखते हैं आगे। तो योग्य पाए गए गृह रक्षकों का भौतिक सत्यापन एवं चिकित्सा जांच प्रखंडवार उपायुक्त साहेबगंज के अध्यक्षता में दिनांक 23/9/2019 एवं दिनांक 24/9/2019 को होने वाला है। समय 10 बजे प्रातः सुबह में, ठीक है? स्थान देख सकते हैं कहाँ पे होने वाला है, गृह रक्षा वाहिनी कार्यालय बांस कोला, ठीक है, सकरी गली साहेबगंज में, ठीक है, निर्धारित है। वैसे सभी गृह रक्षक जिन्होंने पुनः नामांकन हेतु अपना आवेदन कार्यालय में जमा किया है वे उक्त निर्धारित तिथि एवं स्थान पर समय पूर्ण वर्दी एवं आवश्यक सभी मूल कागज के भौतिक सत्यापन एवं चिकित्सा जाँच हेतु उपस्थित हो, ठीक है? तो साफ साफ लिख दिया, तो देख सकते हैं 23/9/2019 का किस किस प्रखंड का है। पहला नंबर में तो प्रखंड का नाम बता रहा हूँ, बरहरावा, बरहेट, उधवा, मंडरो एवं तालझारी का 23/9/2019 को होने वाला है, ठीक है? कहाँ पे, तो देख सकते हैं ये कार्यालय बांस कोला सकरी गली में साहिबगंज, ठीक है? अब दूसरा में देख सकते हैं प्रखंड का नाम, राजमहल, पतना, बोरैया एवं साहिबगंज ग्रामीण या शहरी, पुरुष एवं महिला, ठीक है? 24/9/2019 को यह सब प्रखंड का होने वाला जो दूसरा में लिखा हुआ, ठीक है? वहीं पे एड्रेस पांच कोला सकरी गली साहिबगंज, ठीक है? अब लास्ट में देख सकते हैं उक्त निर्धारित तिथि के अनुपस्थित होने वाले गृह रक्षकों का बाद में पुनः नामांकन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, साफ साफ लिखा है। चलिए वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और फिर मिलते हैं आगे।